गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। होप यू आर ऑल फाइन एंड सेफ। टुडे आई एम हेयर विद अ न्यू वीडियो, दैट इज़ होलीडेज होमवर्क। एज यू नो, योर होलीडेज होमवर्क हैज़ बीन स्टार्टेड, सो आई एम गिविंग यू होलीडेज होमवर्क ऑफ हिंदी which you have to do in your holidays. Hope you will do neat and clean and happily. So the first question is, पहला आपका हिंदी का है, क्लास सेवन के लिए holidays homework। तो पहला question है, फिल्मों में दिखाया गांव और वहाँ का जीवन क्या वास्तविक गांव का चित्र प्रस्तुत करता है? वास्तविक देहाती जीवन और फिल्मों के प्रस्तुतिकरण में क्या अंतर है? पाठ पहली चूक का को पढ़कर स्पष्ट कीजिए और गांव का चित्र भी बनाइए। जैसे कि आपने पाठ पहली चूक पढ़ा था, उसमें एक शहरी खेती करना चाहता लेकिन उसे गांव में रहकर क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, तब उसे एहसास हुआ, तब उसको ये फील हुआ कि गांव की ज़िंदगी, गांव का जीवन कितना कठिन है। तो उसी पे आधारित आपको एक उसमें अंतर बताना है, वास्तविक जीवन और जो फिल्मों में दर्शाया जाता है वो जीवन का एक अंतर बताना है, और चित्र भी बनाना है। चित्र मैंने ये बनाया है, आप लोग कोई भी ईजी सा चित्र बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है, लड़की पढ़ाओ देश बढ़ाओ विषय पर अनुच्छेद लिखिए। तो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसमें लड़कियों की दुर्दशा और उनके साथ जो जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसके बारे में आ रहा है, तो उसका समाधान किस से है? शिक्षा से है। अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो क्या वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, वो समाज में अपना अधिकार मांग सकती है। तो उस पर आपको लड़की पढ़ाओ देश बढ़ाओ पर एक अनुच्छेद लिखना है। अगला क्वेश्चन है, घर में प्रयोग होने वाली वस्तुओं जैसे तेल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट आदि से संबंधित जानकारी एकत्रित करके लिखिए और कंपनी की अन्य वस्तुओं के रैपर चार्ट पेपर पे चिपकाकर नाम भी लिखिए। तो इसमें क्या है, जैसे मैंने एक डेटॉल ले रखा है, तो डेटॉल अगर आप लोग कोई भी, जैसे कोलगेट है या सनसिल्क है या लक्स है, कि कोई भी कंपनी का लेते हैं यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में पूरी जानकारी कि वो किस कंपनी का है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके एम्प्लॉय कितने हैं और इसका टर्नओवर कितना है और ये कब इस्टेब्लिश हुई, इसके ब्रांड एम्बेसडर क्या हैं। अब जैसे कि मैंने डेटॉल लिया है, तो डेटॉल में डेटॉल रैकेट बेकनाइज़र इंग्लैंड की कंपनी द्वारा निर्मित स्वच्छता उत्पादों की श्रेणी में साबुन एक महत्वपूर्ण ब्रांड है। साबुन इन्होंने बनाया है डेटॉल का, और उसका हैंड वॉश भी बनाया है, और तो इस तरह से ये डेटॉल के जो है ये स्वच्छता से संबंधित है, महत्वपूर्ण ब्रांड है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है, यानी बिग बी अमिताभ बच्चन, जो कि 29 जून 1915 के इसके ब्रांड एम्बेसडर बने। तो ये इसकी मैंने छोटी सी जानकारी है, थोड़ी कम जानकारी। इसी तरह से आपको भी इससे रिलेटेड जो भी आप घर में यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड, अब उस कंपनी का क्या है, वो उसके एक ब्रांड के अन्य वस्तुएं भी होती हैं ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सबको आपको पूरा रैपर लेना है, रैपर लेकर पूरा चार्ट पेपर पे अलग अलग पेस्ट करना है और उसके नाम भी लिखना है। समझ आ गया बच्चों? अगला है वर्ग पहेली से दो दो पर्यायवाची चुनकर लिखिए। जैसे ये राजा है, तो राजा से इसमें निर्प हो गया, ऐसे ही पताका है तो पताका का झंडा हो गया, निशान हो गया, ये आपको इसमें से देखकर लिखना है। बादल है तो बादल का मेघ, चंद्र, शशि, राकेश, फूल, सुमन, तो ये जो है इस तरह से आपको इसमें से दो दो लिखना है। अब आपका आता है बुक से रिलेटेड वर्क। पाठ्यपुस्तक में भाषा की बात, आपकी बुक में हर चैप्टर में भाषा की बात दे रखा है, जैसे कि ये है भाषा की बात। अब भाषा की बात है पेज नंबर 12, मैंने उसमें दे रखा है पेज नंबर 12। तो पेज नंबर 12 में आपको पहला क्वेश्चन करना है ये, यानी कि शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। देखिए इसमें दे रखा है,
ये दे रखा है, पेज नंबर 12 पे का एक, पेज नंबर 24 पे, पेज नंबर 24 पे क्या करना है, पेज नंबर 24 पे 1 3 4, तो बच्चों ये है 1 3 4, ये आपको करना है, देख लीजिएगा आप लोग के पास बुक है, 1 3 और 4 ये इस तरह करना है। अगला है पेज नंबर 33 का एक, पेज नंबर 42 का 1 2 4, पुस्तक से करना है और पुस्तक में ही करना है, समझ गए बच्चों। तो आप लोग इसको एक अलग कॉपी में करेंगे, इसमें फेयर कॉपी में नहीं करेंगे, एक पतली सी अलग कॉपी बनाएंगे वहाँ पर करेंगे और नीट और क्लीन राइटिंग में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी एंड सेफ, एन्जॉय योर समर कैंप, थैंक यू।